जब मई में हम लोग को लगाया गया वो एक ऐसा वक्त था कि कॉरपोरेशन के परमानेंट वार्ड बॉय लोग सब अपने अपने घर में क्वारंटाइन हो गए थे, मतलब डर रहे थे। लेकिन ये सब नौजवान हम लोग मतलब डरे नहीं, शहर के लोगों के लिए इनकी खिदमत के लिए हम लोग उतर गए बिंदास। और ऐसे वक्त तो था वो क्या लोग अपने को छोड़ने डर रहे थे और हर तरीके का काम किए, यहाँ तक के पेशेंट को संडास कराना बोलो और भी दूसरे जो भी उनकी आदत थी वो सब किए। अब हुआ ये मई तो चला गया, अब जब पेमेंट का बोल रहे मई से, ये समझ लो कि 15 जून से ये लोग तारीख पे तारीख दे रहे, तारीख पे तारीख 17 अप्रैल मतलब फाइनल तारीख दिए थे, अब कल गए 17 जुलाई फाइनल तारीख दिए थे, कल भी गए हम लोग। अब जो मेन जिम्मेदार था वो आदमी हम लोग के सामने आ नहीं रहा, फोन नहीं उठा रहा, हम लोग से भागा भागा फिर रहा। और ये जो लोग बीच में हम लोग ऊपर सुपरवाइजर बनाए गए थे, ये लोग बोल रहे यार हम लोग खुद परेशान है, हम लोग कोशिश कर रहे हम लोग तुम लोग की हमदर्दी में। मैं तो साफ बोला कि तुम लोग हमदर्दी क्या कर रहे, हम लोग तो मेहनताना मांग रहे ना भाई, कोई कर्जा उर्जा तो मांग नहीं रहे जो हम लोग का वो दो। अभी 17 तारीख से बोले थे यार ठीक है सुबह हम बोलेंगे, अभी जब हम लोग ने रब्ता किया वो लोगों से तो वो लोग बोलते कि यार आज भी मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। ये मालेगांव के अंदर जो COVID-19 की बीमारी वबा जो आई थी मालेगांव में, क्या पूरे हिंदुस्तान में आई थी है ना, तो इसके अंदर काम करने वाले जो थे वार्ड बॉय डॉक्टर्स जो भी थे लोग सब अपने आप को क्वारंटाइन कर लिए थे, और यहाँ तक के हद तक पूरा मालेगांव का दवा खाना बंद हो गया था। हम लोग ने समझ लो ये व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि यार भाई मालेगांव के अंदर जो भी पेशेंट उसकी खिदमत करने गए और वार्ड बॉय का काम करने गए, तो इनकी समझ लो जो भी तुम्हारी रहेंगी बोले यार ये करेंगे, हम लोग बोले यार ठीक है करेंगे, लेकिन उसके अंदर पेमेंट की भी बात हुई थी और परमानेंट की बात हुई थी और इंश्योरेंस पेपर की बात हुई थी, कि हम लोग से नहीं सर धोखा किया गया और हम लोग ने ईमानदारी से काम करे। और अगर ये लोग बोल देते कि यार भाई पैसा नहीं मिलेगा मालेगांव के वास्ते समझ लो तुम फ्री में करेंगे क्या, तो हम लोग फ्री में भी कर सकते थे, लेकिन हमको ये झूठ बोला गया। और अच्छा कि यहाँ तक के बोला कॉर्पोरेशन तुमको लगाया जाएगा, बोले कॉर्पोरेशन से हमारा ऑर्डर है। और हम लोग जब कॉर्पोरेशन से माहिती लिया डीप में गए तो हम लोग को पता चला कि यार भाई ये सब झूठ है, कि कोई आदित्य मल्टी सर्विसेज कोई कंपनी है नासिक की एजेंसी है तो उसके मार्फत लगाया गया है। और इनको हमारे जो इंचार्ज जो इनको बोल रहे तो बोले हमारे ऊपर जो इंचार्ज जो वो लोग बोल रहे ऐसा बोल रहे कि यार परसेंट मांग रहे, कमिश्नर परसेंट मांग रहे, बैंक वाले परसेंट मांग रहे। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है कितनी झूठी है ये मीडिया के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हम लोग समझ लो ऊपर तक बात पहुँचाना चाहते हैं। और यहाँ तक क्या नहीं जो यहाँ के हमारे CM उदय ठाकरे साहब वहाँ तक की भी अगर बात चलेगी तो अच्छा ही नहीं, इसके अंदर क्या है क्या नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से है कॉर्पोरेशन से है कि पैसा हमारे इंचार्ज जो खा लिए, कि कॉर्पोरेशन वाले खाए, कि यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं वो लोग पैसा खा लिए। हम लोग यानी बहुत मेहनत से काम किए हैं, यहाँ तक कि हमारे घर वाले यानी मना कर रहे थे कि मत जा, लेकिन हम लोग मालेगांव की खातिर के लिए हम लोग इंसानियत समझ के सब काम किए थे। हम लोग दिन को ना दिन समझा ना रात को ना रात समझा, रात दिन एक कर दिए हम लोग ने, बारिश में गए खाना पीना सब कुछ हमारे जेब से पेट्रोल का खर्चा करा, ईद की दुकाना पड़ गए बंदे लोग ने नहीं काम किए, यहाँ तक के जिनकी मॉर्निंग में ड्यूटी थी वो अपने सेंटर में ही दुकाना खड़े कर लिए थे, और रमजान के अंदर भी शहरी भी डायरेक्ट सेंटर में ही करते थे हम लोग। इतनी बात बस जो भी हमारी बात ऊपर, अगर ये जो इंचार्ज है ये चाहे तो अपनी जेब से दे सकते, हालांकि ये लोग ने ठेका लिया था, नसीम भाई जो है इसने ठेका लिए थे, अलग ठेका जो लेता है उनकी जेब से देना पड़ता है, जब भी पेमेंट मिलेगा कॉर्पोरेशन उनको मिल जाएगा, कॉर्पोरेशन का तो मसला है बिल आगे पीछे होता है, कॉर्पोरेशन का तो कोई मसला नहीं। और धमकी देगा तुमको जिसके पास जाने का जाओ, नहीं जाने मत जाओ, सीधा बोलते हैं पुलिस कंप्लेन कर दो, बोले मजा आएगा इसके अंदर और मजा आएगा, और गाली गलौज से भी बात करते हैं हमारे से, ये सब अच्छी बात है नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे वो लोग भी और हम लोग भी पढ़े लिखे, और जो यहाँ पर पेशेंट लोग थे उनको मालूम है कि यार हम लोग ने क्या काम करे और क्या काम नहीं करे। अब इसके अंदर हम लोग का नहीं झूठ बोला गया, गलत काम किया गया, ये सब अच्छी बात नहीं है।